वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट टीम में सरफराज खान के ना चुने जाने पर बीसीसीआई ने तोड़ी चुप्पी, कहा इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए वो नहीं है फिट। दिया अल्टीमेटम, अगर इंडिया से खेलना है तो पहले दे फिटनेस पर ध्यान। सिर्फ रणजी ट्रॉफी में रन बनाने से नहीं चलेगा काम, टीम में आना है तो आईपीएल में करना होगा जायसवाल और गायकवाड़ जैसा परफॉर्मेंस, नहीं तो टीम इंडिया में नहीं मिलेगी जगह। मुंबई रणजी टीम के स्टार बैट्समैन सरफराज खान को वेस्टइंडीज के खिलाफ होने वाली टेस्ट सीरीज में ना चुने जाने पर हो रही लगातार फजीहत का सामना कर रही बीसीसीआई ने आखिरकार इस मामले पर अपनी चुप्पी तोड़ते हुए अपनी सिलेक्शन कमेटी के फैसले पर मोहर लगा दी है। क्या कुछ कहा बीसीसीआई ऑफिशियल्स ने इस मुद्दे पर, आज इस वीडियो में आपको बताएंगे इसकी पूरी सच्चाई। भारत और वेस्टइंडीज के बीच जुलाई और अगस्त में खेली जाने वाली टेस्ट टीम में पिछले दो रणजी सीजन में 900 से ज्यादा रन और 13 सेंचुरी बनाने वाले मुंबई के बैट्समैन सरफराज खान की फिटनेस पर सवाल उठाते हुए बीसीसीआई ने उन्हें अनफिट डिक्लेयर कर दिया है। बीसीसीआई को इससे कोई मतलब नहीं कि पिछले दो रणजी सीजन में सरफराज खान ने रनों का अंबार लगा दिया था, बल्कि बीसीसीआई इस प्रतिभावान बैट्समैन के मेहनत पर पानी फेरते हुए टीम इंडिया में न शामिल किए जाने पर रजामंदी दे दी है। इसके अलावा बीसीसीआई का ये कहना है कि सरफराज खान टीम इंडिया में शामिल होने के लिए जितनी मेहनत कर रहे हैं वो नाकाफी है। चलिए जानते हैं क्या कुछ कहा बीसीसीआई ने इस मामले पर। बीसीसीआई ऑफिशियल के मुताबिक सरफराज खान ने हालांकि पिछले दो रणजी सीजन में 900 से ज्यादा रन बनाए हैं, पर आईपीएल में फास्ट बॉलर्स के खिलाफ वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए और चयनकर्ताओं ने ये महसूस किया कि वो फिटनेस के इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर खड़े नहीं उतरते। बीसीसीआई ऐसा कहते वक्त शायद ये भूल गई कि पाकिस्तान की तरफ से खेलने वाले बल्लेबाज इंजमामुल हक की कद और काठी काफी कुछ सरफराज खान से मिलती जुलती थी और उनसे ज्यादा भारी थी, पर इंटरनेशनल क्रिकेट में आज भी उनका नाम अदब से सिर्फ इसलिए लिया जाता है क्योंकि उन्होंने वर्ल्ड लेवल पर क्रिकेट में उम्दा परफॉर्म किया। इसके अलावा मौजूदा भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा की फिटनेस पर भी इस साल फरवरी मार्च में खुद पूर्व भारतीय कप्तान कपिल देव ने सवाल उठाया था। तो जब रोहित फिटनेस की इंटरनेशनल क्रिकेट के स्टैंडर्ड पर फिट उतरते हैं तो सरफराज भला क्यों नहीं। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या बीसीसीआई ऑफिशियल अपने किए पर लिपापोती करने की कोशिश कर रहे हैं? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए और क्रिकेट की रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़कर सब्सक्राइब बटन को दबाना ना भूलिए।